हेलो एवरीवन, मैं मोना ग्रोवर। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि आप मिलेट से चपाती कैसे बना सकते हैं। आपने हमेशा सुना होगा कि आप आटे से चपाती बनाना आप बनाते होगे, तो आज अगर आपके पास आटा नहीं है तो आप डायरेक्ट मिलेट से कैसे चपाती बना सकते हैं, वो भी बहुत इजी मेथड से, वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मिलेट्स को लेना है। जो आज मैं मिलेट्स ले रही हूँ वो लिटिल मिलेट ले रही हूँ। मिलेट आप कोई भी ले सकते हैं और उससे वो चपाती बन जाएगी। तो लिटिल मिलेट मैंने लिए हैं, तो क्या करना है, एक बार उसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद उसको आपने 6 घंटे के लिए सोक करके रख देना है। ये मैंने 6 घंटे के लिए इसको सोक किया हुआ था। ऐसे ही उड़द की जो दाल होती है वाइट वाली, वो 1/4 से आधी जो होती है, यानी कि 1/8, यानी कि 2 टेबलस्पून, 2 बड़े चम्मच, वो मैंने ये दाल ली है और इसको भी रात को ही मैंने 6 घंटे के लिए सोक करके मैंने रख दिया था। अब क्या करेंगे, जो ये मिलेट्स हैं इसको मैं ये मिक्सी के जार में डालूंगी। अब ये जो इसका दाल का पानी है वो मैंने निकाल देना है, और मिलेट्स का जो पानी था जिसमें हमने उसको सोक किया वो हमने यूज कर लिया। और ये थोड़ा सा मैं इसमें पानी और ऐड कर रही हूँ, बहुत थोड़ा सा हम ऐड करेंगे, और मैं ये इसको मिक्सी में घुमा लूँगी अच्छे से। जब हम इसको घुमा रहे हैं तो हम बीच में रोक के चेक कर लेंगे कि वो अच्छे से हो गया या नहीं। पेस्ट जो है वो बिल्कुल बारीक होना चाहिए, दरदरा नहीं होना चाहिए। एक बार मैं इसको चेक कर लेती हूँ। आप इसको देखेंगे तो ये बीच में इसके ये थोड़े से ये दरदरापन है इसमें, तो इसको हम एक दो बार और इसको मैं अच्छे से मिक्सी में पीसूँगी। ये देखो, ये बिल्कुल अच्छे से ये पीस चुका है, हमें इसी तरह से ही ये चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, ये एक कढ़ाई लूँगी, उसमें मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखो बिल्कुल ये बारीक पेस्ट है, हमें इसी तरह से ये चाहिए। अब गैस ऑन कर दूँगी और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे इसको हमने कुक करना है। और ये इसमें मैं थोड़ा सा ये ऑयल डाल रही हूँ। और इसको मैं चलाती जाऊंगी। आपने ध्यान रखना है कि जब भी आपने आटा गूंदना है तो जो कढ़ाई आप लोगे वो हैवी तले वाली होनी चाहिए, भारी तले वाली, नहीं तो आटा आपका नीचे लग जाएगा। ये देखो, ये जैसे आटा ये सूखता जा रहा है, ये देखो ये आटे की फॉर्म में अब आ गया है। थोड़ा सा हम और कुक करेंगे। 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर ये हमारा आटा रेडी हो जाएगा। ये अब हमारा आटा बन गया है। अब इसको चेक कैसे करना है, जैसे थोड़ा सा हमने हाथ पे ऑयल लिया, ये देखो अब ये आटा हाथ पर चिपक नहीं रहा है, तो इससे आपको पता चल जाएगा ये आपका ये आटे की फॉर्म में ये आ गया है। गैस मैं अब बंद कर दूंगी। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे 1 घंटा। ये देखो ये आटा हमारा 1 घंटा हो चुका है, तो काफ़ी हद तक ये ठंडा हो गया है। लेकिन अगर आप इसको 2 से 3 घंटे पहले इसको बनाकर आप छोड़ दोगे तो आपकी एक परफेक्ट चपाती जैसे आप बहुत अच्छे से आप इसको बना सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको इसकी कैसे चपाती बनाते हैं वो बताती हूँ। लेकिन आपने क्या करना है, पहले थोड़ा सा ये हाथ पे ऑयल लेंगे और इसको अच्छे से आप इसके ऊपर लगा देंगे ताकि ये आटा चिपके ना आपके हाथ पर। अब क्या करेंगे, अब इसका एक पेड़ा लेंगे, जो पेड़ा लेना है वो थोड़ा सा हम बड़ा लेंगे, और ये मैं लिटिल मिलेट का सूखा वाला जो आटा होता है वही वाला ले रही हूँ। अच्छे से इसको हम सूखे आटे में सूखा आटा लगाएंगे
और फिर बिल्कुल हल्के हाथों से हमने इसको बेलना है। ज़्यादा दबा के नहीं बेलना, नहीं तो वो आटा नीचे चिपक जाएगा। अब जब भी इसको आपने उठाना है तो ये इस तरह से ये लेंगे हम, और नीचे से अच्छे से इसको ऐसे डाल के फिर हाथ पे लेंगे, ताकि ये चपाती टूटे नहीं आपकी। तवा मेरा गर्म हो गया है और मैं ये इसके ऊपर मैंने डाल दिया इसको। जो ये चपाती होती है ये खाने में बहुत ही सॉफ्ट होती है। जैसे नॉर्मली मतलब सुनने में ये मेरे को आता है कि आप जब आप चपाती को बना के रखते हैं तो वो सूख जाती है। जब आप इस मेथड के साथ इसको आप बनाओगे ना, तो ये बिल्कुल भी सूखेगी नहीं। आप इसको टिफ़िन में आप इसको पैक करके दे भी सकते हो, ये 3-4 घंटे के लिए इसी तरह से सॉफ्ट ही रहेगी। ये जब चपाती अच्छे से एक साइड से पकेगी तभी आपने इसको पलटना है, पहले नहीं पलटना इसको। ये देखो, आप ये देख सकते हो कि ये फूल रही है ये चपाती, और ये उतनी ही सॉफ्ट भी होगी खाने में। इसमें देखो मिलेट्स में ये क्या रहता है ना, अगर हम डायरेक्ट मिलेट के साथ इसको बना रहे हैं तो आपको ये रहेगा कि मतलब जो आटा है वो बहुत पुराना नहीं है। नहीं तो नॉर्मली जो मार्केट में आटा मिल रहा है ना, पता ही नहीं होता आपको वो कब पिसा और कब आपके पास वो पैक करके पहुंचा। तो बेस्ट में क्या रहता है कि आप डायरेक्ट मिलेट्स के साथ ही अगर आप ये बनाते हो तो ये सबसे बेस्ट है कि एक फ्रेश का फ्रेश आपने मिलेट्स लिए, सोक किया और आपने इसकी चपाती बना दी। ये चपाती हमारी अब बन गई है। ये बिल्कुल सॉफ्ट चपाती बनी है, आपको ये देख के ही पता चल रहा होगा फोल्ड करने से कि ये बिल्कुल सॉफ्ट टेक्सचर इसका आया है। तो आप इसको किसी भी सब्जी या दाल के साथ आप इसको खा सकते हैं। थैंक यू।